गोर भी उठ रही है, चाय को देख रही है। ये संतरे का बाग है यहाँ पर। लड़ के देखा बेटा इससे, लड़ पर धमका दे। चुप हो जा तो। अभी निकिता गई पेपर देने, गौरवी और मैं यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं। रोएगा नहीं ना बेटा, अभी तक तो खेल रही है गौरवी, पता नहीं कब तक खेलेगी, कब रोना स्टार्ट कर दे। ये बच्चे लेट हो रखे हैं। आखिरकार गौरवी सो ही गई है काफ़ी देर रोने के बाद, देखो कब तक सोती है ये। उठ लिया मैं बेटा, 10 मिनट सो के बस। पहुंच गए रूम पे है गुरु। और देखो कितने खुश है, ने पापा के पसीने छुटा दिए। पसीने छुटा दिए भाई, आज इसने रो रो के बुरा हाल मचा दिया वहाँ पे। अब चले गए हम मूवी देखने, जाएगा अभी गोरू बाजार में जाएगा और घूम के भी आएगा। कमन हो गया भाई अब चलने का, चले। देखो कितनी जोर से बोल रही है। गोरू को लेके जा रहे थे बाहर घुमाने के लिए। ये क्या हुआ भाई, अब टाइम हुआ था मूवी देखने का, टिकट बुक करा रखी है, बाहर आए तो बारिश आई मिली। देखो अब कब तक रुकती है, छोटा बच्चा साथ में है। बीच में बारिश रुक गई थी तो हम बाहर आ गए थे चलते हैं अब, लेकिन क्या हुआ फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, इसलिए हमें फिर से रुकना पड़ा है। गौरवी आई है भाई आज मॉल में, फर्स्ट टाइम आई आज, इससे पहले कभी ये मॉल में नहीं गई। अभी शो में टाइम था तो मैडम जी बोली पिज्ज़ा खा के आते हैं, चलिए डोमिनोज में। अभी डोमिनोज आए हैं, बैठे हैं। गौरवी भी खुश है यहाँ आकर के, पहली बार आई है पिज्जा सेंटर में। गौरवी के मुंह में आ रहा पानी, राल आ गई है बिल्कुल, पिज्जा नाम सुन के खुश हो रही लड़की। मूवी देख ली है, मूवी खत्म हो गई है। अब हम आए बाहर, थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, मार्केट में थोड़ा और घूम लेंगे। अभी आए भाई खाना खाने के लिए, ये थाली मंगाई भाई, अभी खा के देखते हैं कैसा खाना है। ये खाना नहीं खाने दे रही भाई, रोने लग गई, इसे मूवी देखनी है अभी और। वहाँ बिल्कुल नहीं रोई, एक बार रोई थी थोड़ी देर के लिए और फिर रोना बंद कर दिया बिल्कुल, लेकिन अब रो रही है बहुत जोर से। खाना नहीं खाने देना। अब आ गए हम अपने रूम में, लेकिन गौर भी अब रो रही है कि मैं बाहर ही जाऊंगी, मूवी देखोगे। चलो बेटा चलो भाई चलो मूवी देखने के लिए, रो रही गौर भी। हेलो गाइस, टाइम हो गया 9:30 के आसपास, तो आज का यही रूटीन था, हम पहले घूमने गए फिर मूवी देखी और वहाँ पे डोमिनोज में पिज्ज़ा खाया। आगे का आपको कल दिखाते हैं, और कल रात को हमें वापस जाना है, हमारी कल की ट्रेन है, परसों हम फिर दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो यही था नागपुर में, एग्ज़ाम अच्छा हो गया है, आई होप कल प्रैक्टिकल भी अच्छा हो जाए और इस साल एडमिशन हो जाए। और यही सब था, और कल दिखाते हैं आपको जैसा भी होगा, जितना भी दिखा पाएंगे पुनीत दिखाएंगे, क्योंकि मैं, मेरे साथ फ़ोन अलाउड नहीं है, पुनीत और गौरवी रहेंगे आपके साथ, वही दिखाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, देखिए कल क्या होता है। नागपुर में हमारा लास्ट डे है और रात की ट्रेन है, हम कल वापस जा रहे हैं दिल्ली। आप सुनते हैं निकिता प्रैक्टिकल दिलाने के लिए, आज फील्ड टेस्ट है इसका, और देखते हैं भाई क्या होता है, कैसे क्या करती है। मैडम जी रेडी तो गई है, देखिए एक बार। ये रहे न्यू PTI, और गौरवी अभी सो ही रही है, ये उठने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छे गिर गया ना, मजाक मुँह लग गया। निकिता का ये पेपर देने के लिए, प्रैक्टिकल है आज उनका, हमें तो अंदर जाने नहीं दे रहे,
लेकिन ये है, इन्होंने अंदर तक तो एंट्री दे दी है। यहाँ पर लेटने की जगह भी है पीछे यहाँ पर, और गौर भी, लेकिन वहाँ भी नहीं रुक रही है। अभी इसको दूध पिला पिला तो, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं अभी नींद आ रही क्या आ रही है। नागपुर से हम विदाई ले रहे हैं। निकिता है, प्रैक्टिकल भी हो गए। कल एक मूवी देखी थी हमने, एक विलन रिटर्न, और आज एक मूवी और देख ली फिर टाइम था तो, विक्रांत रोहा, दोनों देख लिए। गौरवी ने हमारे साथ देखी मूवी। ये हमारे परिवार में ऐसी बच्ची है जिसने 5 महीने की ने ही मूवी देख ली है, और ऐसे शांति से देखी, बिल्कुल कोई रोना धोना नहीं। अब हम आ गए हैं नागपुर रेलवे स्टेशन पे, घर पे जाने के लिए रेडी है। अब हम घर पे जाएंगे, आज हमारा लास्ट डे था नागपुर में। यहाँ पर ये रेल का इंजन रखा गया है, ये ओरिजिनल रेल का इंजन है। यहाँ पर ये हल्दीराम का एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। ये रेल का एक डिब्बा है पूरा, जिसको रेस्टोरेंट का डिज़ाइन दिया गया है। अभी आए हल्दीराम में कुछ खाने के लिए, यहाँ वेटिंग लिस्ट चल रही है, अभी 10-15 मिनट का टाइम लगेगा। हल्दीराम में आया, अभी मसाला डोसा खाएंगे। गौरवी का रोना शुरू हो जाता है खाना दिखते के साथ कि अभी ये कुछ खाएंगे, तो तू रोना स्टार्ट कर। अब उसने स्टार्ट कर दिया। ये आ गया भाई, मसाला डोसा बन के तो रेडी है, और हमारी गौरवी रोना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसको ट्रेन नंबर, बुग्गी नंबर, बाय बाय नागपुर ट्रेन आ गई है। ये देखिए, ये कुछ उर्दू में लिखा था भाई, समझ में नहीं आया, लेकिन है केरला एक्सप्रेस। ये अपनी बुकी आ गई है B3। सुबह हो गई रे मामू, ये देखिए मॉर्निंग व्यू। अब जैसी पहुंचने वाले है, गोरवी घर पे जा रही है। अब बाहर का नज़ारा देखते हुए इसे बाहर भी देखना है, गर्मी भी नहीं लगनी चाहिए। पहुंच गए दोस्तों दिल्ली। हम मेट्रो में बैठेंगे, घर पे पहुंचेंगे। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन आ गए, अब घर पे जाएंगे। अभी मैं और निपुण आए हैं। कहाँ है निपुण? एक्चुअली इसकी मम्मी गई हुई थी महाराष्ट्र नागपुर, तो वो अभी आ रहे हैं वापस, तो हम उनको लेने आए हैं द्वारका मेट्रो स्टेशन। उनको मेट्रो लेने आए हैं, गौरवी उनके साथ गई हुई थी। तो अभी निपुण का रिएक्शन देखना आप कैसा रहेगा, उनको उनसे मिल रहा है वो ये कम से कम 6 दिन बाद। क्या हो गया? अच्छा, एक्चुअली ने इस इवेंट में उंगली लगाई हुई थी, तो वहाँ से बिल्कुल चिल्ड आ गए, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, बरसात। देखिए ये देखिए, तो वैसे ही कूलिंग ज़्यादा हो रही है एसी की, और इसने यहाँ पे ऐसे उंगली लगा दी तो कह रहा बहुत ठंडा हो गया। आवाज़ आ रही है ऊपर, देखो छत पे गाड़ी की टप 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 टप। निपुण और पापा आए लेने के लिए, ये खड़े नीचे गाड़ी में, जैसी भी आ गई बीच में। भाई आ गए दिख नहीं रहे, ध्यान से देखो आ गए। शीशे पे बारी थे इसलिए नहीं दिख रहे, शीशे पे बारी से इसलिए दिख नहीं रहे। हेलो, ये आ गए हैं भाई। निपुण का एक्सप्रेशन देखो, ये देखो, इधर निपुण को देखो, ऊपर से ये कहाँ लेके चलेगा। निपुण अपने पापा मम्मी से कह रहा मैं लेने आया हूँ। लेने आया भाई निपुण, निपुण लेने आया भाई। बारिश में भी आ गया है निपुण।
निपुण का मन कर रहा है भाई गोरवी को खिलाने का। देखो कैसे सीट के ऊपर से उछल कूदे, गोरवी भी खुश है इसे देख के, अब बिल्कुल नहीं रो रही ये देखो। और वहाँ पे इसने रोना बंद नहीं किया। तो क्या करने आया निपुण? क्या करने आया था तू पापा? तो क्या करने आया था अभी निपुण? मैं